एक पास जिथे टोक्यो ओलंपिक के मैडल जितने वाले खिलाड़ी को सूबा सरकार से सेंटर सरकार के वालों वड्डे इनामों के नाल नवाजा जा रहा है, उत्थे ही दूजे पास देश के लिए तैयार हो रही खिडारियों की पनीरी बाजे से सहूलतों के लिए भी तरसली नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बटाला के नज़दीकी पिंड प्रतापगढ़ का, जिथों की रहने वाली नैशनल खिडारी नवदीप कौर जो कि अंडर 17 में खेलो इंडिया खेडों के वेट लिफ्टिंग गोल्ड मैडल हासिल कर चुकी है और होर कई मल्ला मार चुकी है, अपने घर में बिना छत तो रहने मजबूर है। हालत यह है कि घर के दो कमरे हैं और एक कमरे की छत भी डिग चुकी है। एक ही कमरे में परिवार रहन सहन मजबूर है और पिता का पैर ठीक न होने के कारण घर की कमाई का कोई भी जरिया नहीं है। खिडारी नवदीप कौर ने दसा कि उसनों बचपन तो ही खेडों का शौक सी और पढ़ाई के नाल खेडों के वल मेहनत करती रही, पर घर के हालात इस तरह के सी कि अपने कई ख्वाहिशों दबना पिया। कोच बलदेव सिंह ढिल्लों और अपने मामा जगदेव सिंह राज के उत्साहित करन तो बाद खेलो इंडिया खेडों के नैशनल गोल्ड लैके आई हाँ, पर मेरे घर के हालात हुण खराब ने, घर की छत डिग्गी नूं 1 साल हो चुका है, इसनों बनाउण दे लई साडे कोल पैसे भी नहीं है, मेरे पिता जी का एक पैर खराब है और कोई काम नहीं कर सकते, छोटा भरा जो कि पढ़ता है तो माता आंगनवाड़ी के मामूली तनखा से काम करती है, इस नाल घर का गुजारा बिल्कुल नहीं हुंदा, घर में तंगी ज़्यादा होने के कारण मैं अपने नानके कादियां रहिंदी हां और उन्होंने ही मेरी हैल्प की है। नवदीप ने कहा कि जेकर सरकार के वालों मैंने कोई नौकरी दी जाती है तो मैं अपने माता पिता से भैन भरावों का पालन पोषण कर सकती हूँ। नवदीप कौर ने ओलंपिक के जित हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और नौजवानों को कहा कि वह नशे से दूर रह के खेडों के वल ध्यान देन और सरकार भी अपने खिलाड़ियों का ध्यान रख। पढ़ाई मेरी खालसा स्कूल तो चलती रही है, हूं तक मैं नैशनल मैडलिस्ट खेलो इंडिया मैडलिस्ट वेट लिफ्टिंग खेलो इंडिया महाराष्ट्र 2019 हुई गेम मेरा गोल्ड मैडल सी, 2020 होने वाली गेम च मेरा सिल्वर मैडल सी, हूँ लोकल ट्रेनिंग चल रही कादियां च, वैसे मैं नैशनल कैंप अगे ही इच्छा है कि वधिया मैडल लैके वधिया पद्धर ते खेड के अपने घरदिआं दा नाम रोशन करना। सर मेरे घर के हालात बहुत माड़े होने करके मैं थोड़ी गेम च वधिया नहीं हाँ, बाकी वधिया प्लेयर की तो सारे इन्ना खर्चा करते उन्होंने इन्ना, पर फायदा तो है अपना जिम्मे छोटे लैवल तो बच्चों की हेल्प करके उन्होंने अगे पहुंचाया जा सके ता जी आने वाले ओलंपिक पीढ़िया होर वधिया तो वधिया बच्चे पंजाब के अगे निकल सकन। सरकार ने यही कहना चाहनी हाँ कि जिमें छोटे घर के बच्चे आ जिन्हों गेम कर एक हौसला आ जज्बा है उन्होंने उन्होंने वो तो वही सपोर्ट की जाए ता जो गेम वधिया कर सकन, अपने घर दा नाम रोशन कर सकन, अपने पंजाब दा नाम रोशन कर सकन, अपने इंडिया दा नाम रोशन कर सकन। बच्चियां नूं यही कहना चाहनी हां कि अगर जे गेम करनी है तां वधिया तरीके नाल करो। मैं मीरा दी नूं यही कहना चाहनी हां, उन्होंने बहुत वधिया अपनी गेम च अपना प्रदर्शन किया है, अपने घर दा नाम रोशन किया है, ते इंडिया लई खेड के आए आ, सारे बच्चियां लई उन्हां वल देख के सारे बच्चों का हौसला वधिया है, उन्हां वल देख के मेरा भी हौसला बहुत वधिया है कि मैं अगे वधां, पर मेरे घर के हालात ठीक ना होने करके मेरे डैडी जी उन्हां दी लत बहुत खराब आ, तुसी देख ही चुके हो घर के हालात इन्ने खराब आ जिस करके मैं अगे नहीं वध पा रही, घर की छत भी खराब डिगी पई आ, मतलब जिस करके मैं गेम च वधिया अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकदी। मैनू इत्थों तक पहुंचाउण वाले मेरे नानके जी, मैं कादियां च रहिंदी आ, मेरे मामा जी जगदेव राज जिन्हां ने मैनू इत्थों तक इन्नी सपोर्ट कीती आ, मैं नैशनल खेड के आई हाँ खेलो इंडिया, बस उन्होंने बदौलत की उन्होंने मैंने इन्नी सपोर्ट की है, हूं तक मैं वधिया उन्होंने दी सेहत ही वधिया परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इत्थों तक खेडी हाँ। मेरा सारे ने यह संदेश है कि गेम करो वधिया तरीके नाल करो ते नशियां तो दूर रहो ता जो अपने पंजाब का नाम रोशन हो सके। मैं स्पैशल धन्यवाद अपने कोच साहब का करना चाहनी हाँ, मेरे कोच साहब सरदार बलदेव सिंह ढिल्लो जो कि हरचवाल के रहने वाले ने, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, हर टाइम मेरे नाल खड़े हर टाइम दे मेरी सपोर्ट करके उन्होंने मैनू अगे वधन नहीं किया, जिथों तक मेरी उन्होंने पैसे च भी बहुत हेल्प की थी। तो मैं उन्होंने दिलों धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सिर ते मैं अज इत्थे खड़ी हूँ। जी जगदेव राज है जी, ए मेरी जी वड्डी भैण आ जी, ए पिंड प्रतापगढ़ व्याही हुई है ते इन्हां दी बेटी है जी नवदीप कौर, नवदीप कौर अंडर 14 दे विच खेलो इंडिया च गोल्ड मैडल लै चुकी है जी ते नैशनल लैवल ते ए जी सिल्वर मैडल लै चुकी है जी, ठीक है जी। ते अज देखो ओलंपिक खेडा चल रही खिडारियों नूं करोड़ां रुपए दिते जा रहे ने, उन्हां दी घरां दी कंडीशन काफी हाई है ते आ नैशनल गोल्ड मैडलिस्ट दे वेख लो हाल की करदा, दो मैडल कुड़ी लै चुकी है खेलो इंडिया चो भी ते नैशनल चो भी, ते उहदे मां प्यो दा हाल देख लो ते उहदे घर दा हाल देख लो। मैं सरकारां अगे बेनती करांगा कि एडे काबिल बच्चां दे घरां दे हाल होएगा ते किदां बच्चा अगे वधेगा जी, मेरी सरकार अगे बेनती है कि इस चीज नूं ध्यान च रखो
कि जिहड़ा बच्चा इन्नी तशद्दुद करदा इन्नी मेहनत करदा कम से कम उहदे घर दी हालत सुधार दिओ। कि इन्नी मेहनत करन दे बावजूद भी साडी भनेवी नू साडी भैण नू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। मेरा नाम पलविंदर कौर है। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਦੇ ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।